सकता है। चलें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनवर्स फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 9574। टारगेट क्या है, मैं समझा देता हूँ। मैंने जो अभी आपको बताया नोट में, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में हम क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ रिमेंबर दैट। इससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उधर बनानी होती है हमें आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की रिप्लेस पे बनाना होगा एक न्यू मैट्रिक्स। जब वो आइडेंटिटी की रिप्लेस पे एक न्यू मैट्रिसेस बनके तैयार होगा, वही हमारे पास होगा बेटा उसका इनवर्स। समझ में आ गया पॉइंट, क्या टारगेट है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड बनानी है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड बनाना है न्यू मैट्रिक्स। जो न्यू मैट्रिक्स होगा वही क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। क्लियर होगी बात। हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट्स और डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंटों क्या बनाना होता है, जीरो। तो हम फर्स्टली अप्लाई करते हैं हमेशा रिमेंबर दैट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। समझ में आया, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल के पहले नीचे वाले सभी एलिमेंटों को जीरो बनाएंगे, फिर डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंटों को जीरो बनाएंगे। ऊपर वाले एलिमेंटों को, पेन देखिए, पेन की नीप, ऊपर वाले एलिमेंटों को जीरो बनाएंगे, इसको फिर इसको फिर इसको, और डायगनल के नीचे वाले एलिमेंटों पहले इसको फिर इसको फिर इसको जीरो बनाते हैं। ठीक है ना, ये तो कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप, बट इसके पहले डायगनल के नीचे वाले एलिमेंटों को जीरो बनाइए, फिर डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंटों को जीरो बनाइए। इससे आपको इनवर्स बहुत ईजिली गेट हो जाएगा, और इस समय क्या फाइंड हो जाएगा, आइडेंटिटी भी है। देखो कैसे, ए इज कल टू 9574 है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए इज कल टू आई ए नोट किया, ए इज कल टू आई ए, ए मैट्रिक्स काउंट किया, आई मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू ऑर्डर, क्योंकि जो मैट्रिक्स जितने के गिवन होगा उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे, 1001 ए हो गया। ठीक है, अब मैंने परफॉर्मिंग की, क्योंकि मुझे पता है डायगनल है मेरे पास, इस डायगनल के नीचे वाला एलिमेंट 7 लिखा हुआ है, क्या बनाना है, जीरो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस 7 को 1 बनाना होगा, मैंने 7 को 1 बनाया, परफॉर्मिंग आर टू चेंज की, क्योंकि कौन सी रो है ये, आर टू रो है, तो मैंने आर टू को चेंज किया, कितने से मल्टीप्लाई करी आर टू में, 1/7 से, इस पूरे में आर टू में मैंने 1/7 से डिवाइड, केवल आर टू रो में ही करेंगे उसे, तो 9, 5, 1 हो गया यहाँ पे, और ये 4/7। इसी तरह से राइट हैंड साइड में होगा, जो परफॉर्मिंग LHS के लिए अप्लाई होगी वही परफॉर्मिंग RHS के लिए होगी, ये एज इट इज चलता रहेगा, 1, 0, 0 और 1/7 हो गया, A1 हो गया। अब मैंने क्या किया, परफॉर्मिंग की R2 को चेंज किया, R2 में कितने से प्रोडक्ट की, क्योंकि इसमें 1 है और इसे मुझे 0 बनाना है, तो यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, 9 से, तो मैंने R2 में मल्टीप्लाई कर दी 9 से, और उसे R1 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 9R2 माइनस R1 हो गया, तो 5, 9, 5, 0, 1/7 आ गया, 1, 0। अब देखना बहुत ध्यान से, क्लियर समझना मेरी बात को, ठीक है ना, ये लिखा 0। देखो R2 में कितने से प्रोडक्ट किया आपने, समझाता हूँ, देखो R2 में आपने प्रोडक्ट की हुई है कितने से बेटा, 9R2 माइनस के R1 से, ठीक है ना। तो देख बेटा, सबसे पहले R2 लिख ली, R2 रो क्या है, ये आपके पास थी, पहले ये देख क्या लिखी रो पे, पहले R2 में देख, ठीक है ना, ये 1/4/7, इसमें कितने से प्रोडक्ट लिखी, पहले 9 से प्रोडक्ट कर दे सारे में, इस पूरे में 9 से कर दे प्रोडक्ट, कितना आ गया, 9 और 9 3 36/7 आ गया। अब इसे माइनस कर ले किसके साथ, R1 के साथ, R1 कितनी तेरे पास, 9 और 5 है R1, पॉइंट समझ में आ गया, R1 कितनी है, 9 और कितनी, 5, ठीक है ना, 9 और 5 हो गया, ठीक है, इसे माइनस कर दे क्योंकि R1 है ना, तो माइनस हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 36/7 में से 5 को माइनस कर दे, कितना आ गया, 7 LCM, 36 - 35 कितना है बेटा, 1/7, तो देखिए लिखा 1/7, पॉइंट समझ में आ गया। इसी टाइप से अब आ जाओ इस वाली साइड, देखो 1, 0 एज इट इज आ गया, फिर ये कंडीशन लिखी है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशंस में, आपके पास लिखा था कि बेटा R2 में चेंज कर रहे थे आप, R2 में कितने से प्रोडक्ट करके, 9 से प्रोडक्ट करके उसे R1 में से माइनस कर रहे थे, है ना। तो देखो बच्चे, अब आपके पास क्या लिखा था यहाँ पे, आपके पास कंडीशन थी बेटा यहाँ पे जो थी 0 और 1/7, सबसे पहले इसमें R2 में 9 से प्रोडक्ट कर लीजिए, तो कितना हो गया 0 और 9/7, उसे R1 में से माइनस कर दें, इसके R1 कितनी है, R1 है 1 और 0 माइनस कर दें, 0 में से -1 - 1, 9 में 7 कैंसिल, 9/7, समझ में आ गई बात है, नहीं आई पहले ही बताओ मुझे यहाँ तक, क्लियर होगी, तो -1 और 9/7 आ गया R2 में, इस तरीके से क्लियर हो रहा है, माइनस किस तरह से करते हैं, समझ में आ गई, उसे लिख लिया करो पहले, एक परफॉर्मिंग करनी है मुझे, ये हो गया। अब परफॉर्मिंग मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये बन गया, देखो डायगनल है, इस डायगनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या हो गया, 0। अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, कितने से, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करके फाइनली मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9/5, 1 हो गया, 0, ऐसे राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब मुझे इसको 0 बनाना था, इसे 0 बनाने के लिए क्या करना है, इसमें 1/7 से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी तभी, तो मैंने R1 में क्या किया, 1/7 से प्रोडक्ट कर ली, और R2 में से उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, R1 को चेंज किया, R1 में कितने से प्रोडक्ट करके, 1/7 से, और इसमें से माइनस कर दो, तो यह क्या बन जाएगा, 0। तो पहले लिख लो क्या लिखा आपके पास, 9/5 और 1 था, R1 में था ना, इसमें कितने से प्रोडक्ट करनी थी, 1/7 से, तो कितना आ गया, 9/35 और 1/7,
और इसे किस में से माइनस करनी है, आर टू में से। आर टू कितनी लिखी हुई है, जीरो और वन अपॉन सेवन। तो देखो ये माइनस तो कितना आ गया, नाइन अपॉन थर्टी फाइव। क्लियर होगी बातें। और वन अपॉन सेवन, तो वन अपॉन सेवन कितना आ गया, जीरो। तो देखो ये आ गया नाइन अपॉन थर्टी फाइव एंड जीरो, और ये एज इट इज़ जीरो वन अपॉन सेवन, सेम एज इट इज़ इसको माइनस करेंगे एंड सो। फिर हमने परफॉर्मिंग देखी, क्योंकि अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे वन, ये जीरो और ये वन होना चाहिए। वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन होना चाहिए। तो यानी मुझे इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 35 अपॉन 9 से, तभी यहाँ 1 बन सकता है। और इसे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से, तभी यहाँ मेरे पास 1 बन सकता है। तो मैंने क्या किया, R1 में 35 अपॉन 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी और R2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ कंडीशन आ गई 1001, और इसमें पूरे बंदे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4 माइनस 5 माइनस 7 9 हो गए, R1 के साथ और R2 के साथ। जो ये फाइनल मुझे गेट हो, क्योंकि तो आगे आइडेंटिटी, ये गेट हो गया इनवर्स इंटू आगे A, क्योंकि A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी होती है। तो यानी फाइनल गेट हो गया मुझे उसका इनवर्स। क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ, समझ में आएगी बात बिल्कुल। अब मैं इसी तरह से एक एग्जांपल को आपको आपके अकॉर्डिंग में सॉल्व करके दिखाता हूँ, 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है ना। उसे बहुत ध्यान से समझेंगे और परफॉर्मिंग अप्लाई करनी सीखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी की परफॉर्मिंग अप्लाई करना। क्लियर है बेटे, चलो देखते हैं।